हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर फैसल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ला इलाज कोई बीमारी नहीं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9212636322। मेरा एड्रेस है कंप्लीट केयर हिजामा सेंटर 102B माता सुंदरी रोड रेड लाइट नियर महाराजा रंजीत सिंह मार्क। जब भी आपको आना हो 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपॉइंटमेंट इसी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए से दे दिया जाएगा आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पेशेंट हैं, बहुत पुराने पेशेंट हैं, और एक्ने का ये हमारे पास इलाज कराने आ रहे हैं। जो इनका पूरा फेस एक्ने से, पिम्पल्स से भरा हुआ था, और बहुत सारे ट्रीटमेंट बहुत सारी जगह से इन्होंने लिए थे, लेकिन उनके एक्ने में कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। क्योंकि जो टॉक्सिन, जो गंदगी, जो पस यहाँ पर आके एक्युमुलेट हो गई थी, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। और एंटीबायोटिक्स और पता नहीं कौन कौन सी हर्बल मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन ये खाई थी इन्होंने, लेकिन इनको इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद ये हिजामा कराने के लिए हमारे पास आए। हमने इन्हें पहले ही बार में कह दिया था ये बात कि देखिए, आप ये चाहो कि एक सेशन में आपको सारा रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको फेस के भी कराने पड़ेंगे हिजामा, और साथ में बैक के, अपनी बैक पे भी कराने पड़ेगा हिजामा। इन दोनों में कम से कम एक हफ्ते का गैप रख के चलेंगे, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। जब उन्होंने मल्टीपल सेशंस लिए हैं, 5-6 रेगुलर सेशंस लिए हैं उन्होंने फेस के, उसके बाद इनको बहुत अच्छा फ़र्क मिला और बहुत अच्छा इनको इम्प्रूवमेंट मिला। जो पूरा फेस इनका मोटे मोटे दानों से भरा हुआ था, वो हल्के होके बहुत माइनर से पिंपल्स फॉर्म में रह गए। माथे पर यानी फॉरहेड पर, चीक्स पर, चिन पर, पूरा फेस इनका दानों से भरा हुआ था। हाँ, एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हल्के हल्के पिंपल्स होते हैं फेस पर, बहुत मोटे मोटे पस वाले नहीं होते, इसलिए उनको फेस पे कराने की ज़रूरत नहीं होती। उनका हम बैक पे करते हैं, और बैक से ही उनके सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं, गंदगी होती है, वो निकल जाती है। फेस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फेस पे करने की ज़रूरत के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि पिंपल्स बहुत ज़्यादा हों, पूरा फेस पिंपल से भरा हुआ हो, या पूरे चीक्स मोटे मोटे पिंपल से भरे हुए हों। दूसरी कंडीशन ये कि अगर बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, जिसे हम फ्रैकल्स भी कहते हैं, जिसे पिगमेंटेशन भी कहते हैं, जिसे ब्लैक ब्लैक मार्क्स जो फेस पर आ जाते हैं, काले काले धब्बे, ये कहा जाता है, तो उस कंडीशन में भी फेस का हिजामा किया जा सकता है। लेकिन एक एडवाइस ये रहती है कि फेस के हिजामे के साथ में आप बैक का भी हिजामा कराइए, ताकि टॉक्सिन्स सारे आपकी बॉडी से निकल जाएं, आपके फेस में बार बार वो टॉक्सिन्स ना आएं। ये तो बात थी कि किसका हिजामा करा जाएगा, कि दो कंडीशन में हिजामा फेस का करा जाएगा। अब बात ये है कि दिखने में इतना डरावना, दिखने में इसका इतना स्कैरी और बहुत ज़्यादा दहशत वाला लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हमारा पेन करेगा, पेनफुल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग हिजामा करा रहे हैं, चाहे फेस का हो चाहे बैक का हो, दिखने में डरावना लगता है, लेकिन इतना होता नहीं है। पेन नेग्लिजिबल होता है, बियरेबल होता है, ईजीली आप बियर कर सकते हो उसको। आप आराम से बैठे रहोगे, होता रहेगा, आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा। क्योंकि हम करने की सबकी टेक्निक अलग होती है, हम इस तरह से करते हैं कि सामने वाले को परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं हमारे पेशेंट बहुत आराम से लेटे हुए हिजामा करा रहे हैं। अगर इनके तकलीफ़ ज़्यादा हो रही होती या परेशानी ज़्यादा हो रही होती, दर्द ज़्यादा हो रहा होता, तो इस तरह लेटे हुए आराम से ये हिजामा नहीं करा सकते थे, और इस तरह से रेगुलर सेशंस नहीं करा सकते थे जिस तरह इन्होंने आकर मंथली लिए हैं। क्योंकि पेन अगर ज़्यादा होगा तो इंसान एक बार बर्दाश्त कर लेगा, दो बार बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हर बार बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उसका फिर अल्टरनेट ढूंढता है। लेकिन आपने देखा कि ये हमारे पेशेंट हैं, काफ़ी तकरीबन 8-9 सेशंस इनके हो चुके हैं, और ये हमारे पास रेगुलरली करवाने आ रहे हैं, बिकॉज इनको अच्छे रिजल्ट से मिल रहे हैं, और इनको ज़्यादा परेशानी का सामना तकलीफ़ के एतबार से नहीं करना पड़ रहा। अगर आपको भी हिजामा कराना हो तो आप बिना डरे बहुत आसानी के साथ हिजामा करा सकते हैं, इसमें डरने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अब दूसरी एक परेशानी की बात यह आती है कि इसके मार्क्स
परमानेंट रहेंगे या टेम्परेरी रहेंगे, ठीक होंगे तो कितने दिन में ठीक होंगे। पहली बात तो ये कि टेम्परेरी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। 3 दिन से 7 दिन के बीच में ये डिसअपियर हो जाते हैं। इसमें दो तरह के मार्क्स हैं, एक हैं जो आपके फॉरहेड पर आते हैं, आपके माथे पर आते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, चॉकलेटी ब्राउन कलर के गोल गोल सर्किल बन जाते हैं 2 या 3, जैसा फॉरहेड होता है उसके हिसाब से कप्स लगाए जाते हैं, या तो 2 लगाए जाते हैं या 3 लगाए जाते हैं। वो थोड़े लंबे टाइम रुकते हैं, तकरीबन 5-7 दिन में ही जाते हैं वो। अब मैं बात करता हूँ चीक्स की, कल्लों की यानी गाल की आपके, उसमें जो कप्स लगाए जाते हैं वो 1 से 2 दिन के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि वो डार्क ब्राउन कलर के नहीं होते, वो डार्क पिंकिश होते हैं। जैसे रेडिशनेस आ जाती है फेस पर, इस तरह से रेड रेड सा हो जाता है, इतना ज़्यादा फील नहीं होता। उसके बाद खुद ही जल्दी से 2-3 दिन के अंदर वो डिसअपियर हो जाता है। हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर कीजिए। जो भी नीडफुल पर्सन है, नीडी पर्सन है, आप उस तक हमारे इस चैनल को और हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पर्सनली फेस के रिगार्डिंग, हेड के रिगार्डिंग, हेयर्स के रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप बेफिक्र होकर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर। मेरा नंबर है 9212636322। मेरा चैनल है ला इलाज कोई बीमारी नहीं, और एड्रेस मैंने स्टार्टिंग में ही कंप्लीट एड्रेस बता दिया था, कंप्लीट केयर हिजामा सेंटर 102B माता सिंदरी रोड, रेड लाइट, जस्ट मदर डायरी के बराबर में, महाराजा रंजीत सिंह मार्ग। यहाँ पहुंचकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर एड्रेस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैप लोकेशन से भी पहुंच सकते हैं। और गूगल पे भी हमारा पेज है कंप्लीट केयर हिजामा सेंटर के नाम से, उसकी जो गूगल मैप लोकेशन है उसके ज़रिए से भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब भी आएँ, अपॉइंटमेंट लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।